स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूक के शो से पहले हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह को हिरासत में ले लिया है। टी राजा सिंह हैदराबाद की गोशा महल से बीजेपी का एमएलए है और हाल ही में उसने मुनव्वर फारूक के शो जो आज होने वाला है उसे आग लगाने की धमकी दी थी। हैदराबाद के एक पुलिस ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि टी राजा सिंह को फ्राइडे को 19 अगस्त की सुबह मुनव्वर फारूक के कार्यक्रम की जगह पर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एहतियातन हिरासत में ले लिया गया है, ये गिरफ्तारी नहीं है। तो मीडिया ने सवाल किया, क्या एमएलए को फारूकी के कार्यक्रम यानी उनका जो शो है उसे खत्म होने तक हिरासत में रखा जाएगा? इसके सवाल में पुलिस के अधिकारी ने कहा, आगे हम देखेंगे कि चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे हालात बनते हैं, उसी को देखकर फैसला लेंगे। उधर हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो मैसेज शेयर किया है, जिसमें वो कह रहा है, तेलंगाना की टीआरएस सरकार पूरी तरह से हिंदू विरोधी बन गई है, अब आगे जो होगा उसके लिए टीआरएस सरकार और तेलंगाना पुलिस जिम्मेदार होगी। काफ़ी लोगों के जहन में सवाल होगा जिसको नहीं पता कि टी राजा सिंह ने मुनव्वर फारूक को क्या धमकी दी थी। आपको बता दूं कि हैदराबाद में मुनव्वर फारूक का प्रोग्राम फिक्स होने के बाद हाल ही में राजा सिंह ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था, जिसके अंदर उसने अपने सपोर्टरों को मुनव्वर फारूक के प्रोग्राम की टिकटें खरीदने की जानकारी दी। उसके सपोर्टरों से शो के टिकट खरीद कर वहां पहुंचने की अपील की थी। राजा सिंह ने वीडियो में कहा है, मैं शो के खिलाफ हूँ, मुनव्वर फारूक ने मेरे देवताओं का अपमान किया है, ऐसे में हमसे क्या उम्मीद की जाती है, हम पुलिस से अपील करते हैं कि शो को कैंसिल कर दे और शहर की शांति और सिद्धांत को खत्म ना होने दे। मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़े और उसका यानी मुनव्वर फारूक का एहतजाज करें। आप लोग बताओ, अगर पुलिस हमारी अपील नहीं मानती है तो क्या हमें चुपचाप बैठे रहना चाहिए? दूसरे सेट में राजा सिंह ने मुनव्वर फारूक के सेट को जलाने की धमकी दी थी और वो वहाँ जा भी रहा था, वीडियो में आप देख सकते हो। कुछ वक्त पहले हैदराबाद में मुनव्वर फारूक का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया था, ये इसलिए हुआ क्योंकि सभी हिंदू ग्रुप एकजुट हो गए थे और उस वक्त महामारी चल रही थी। राजा सिंह ने आगे कहा, हालांकि अब तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने पुख्ता सुरक्षा देने की बात कर फारूक को दोबारा बुलाया है, देखिए इस बार क्या होता है, अगर इस बार उसका शो करवाया गया तो हम जो जगह पर ऑर्गेनाइज किया गया है उसको जला डालेंगे, उसके लिए सरकार और पुलिस जिम्मेदार होगी। आपको बता दूं कि नवंबर 2021 में कर्नाटका के बेंगलोर में हिंदू संगठनों के एहतजाज के बाद मुनव्वर फारूक का शो कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद दिसंबर 2021 में तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने मुनव्वर फारूक को हैदराबाद में अपना शो करने का खुला इनविटेशन दिया था। जनवरी 2022 में मुनव्वर फारूक ने हैदराबाद में अपना शो करने का ऐलान किया, शो की तैयारी हो चुकी थी लेकिन महामारी के मामलों को बढ़ता देखते हुए ये शो को कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से मुनव्वर फारूक को अपना शो कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद ये पहला मौका है जब हैदराबाद के अंदर शो करने के लिए मुनव्वर फारूक आ रहे हैं। तो जहां पर आज मुनव्वर फारूक का शो होने वाला है क्या माहौल है वो भी आपको बता देता हूं। शिल्पा कला वेदिका मादापुर हाईटेक सिटी के पास मुनव्वर का शो होने वाला है और चारों तरफ सिक्योरिटी लगा दी गई है। आज इवनिंग में मुनव्वर फारूक का शो है, सीनियर पुलिस ऑफिसर साइबराबाद पुलिस ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, 500 पुलिस वालों को वहाँ पर तैनात किया गया है और इसके अलावा पुलिस वाले सिविलियन क्लोज के अंदर यानी सादे कपड़ों में भी आपको दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, सिविल ड्रेस के अंदर ऑडिटोरियम के अंदर भी कुछ पुलिस वाले मौजूद रहेंगे और सभी के ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। तो तेलंगाना के मिनिस्टर के इन्विटेशन पर मुनव्वर फारूक यहाँ पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी देना लाजिम था। और जो भी लोग टिकटें बुक करे हैं ऑनलाइन पर और जो लोग शो देखने के लिए जा रहे हैं उन सब की चेकिंग की जाएगी पुलिस द्वारा और सारा वेन्यू कवर किया गया है सर्विलेंस कैमरे से। तो जो जो अरेंजमेंट किए गए हैं मुनव्वर फारूक के लिए हमने आपको सारी डिटेल्स बता दी है। अब राजा सिंह जेल में है, मुनव्वर फारूक का इंतजार कर रहे हैं उनके फैंस।